स्वरूप को महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार, पूजे जग तेरे स्वरूप को महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार, पूजे जग शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती जो हम सबके मीठी मम्मा है, वे June 24, 1965 को अपना पुराना शरीर छोड़ बाबा की गोद ली हुई है। उस समय के जो हर दिन के भोग का संदेश मिला था, वो हम आज से मम्मा के स्मृति दिवस तक रिवाइज करेंगे। हमारे प्यारे गुलजार दादी जी संदेशी बन भोग का समाचार लेके आए थे। साकार वतनवासी मीठी मम्मा की सूक्ष्म वतनवासी बनने के बाद अव्यक्त वतन में रूह रिहान इस प्रकार रहा। 26/6/65 में जो पहला दिन का भोग का समाचार था वो इस प्रकार है। नुमा शाम का समय था, हम वतन में पहुंची तो मीठी मम्मा बड़े आराम से बाबा की गोद में विश्रामी थी। हम जा पहुंची, बाबा ने मम्मा को अपने हाथों से भोग स्वीकार कराया और कहा कि मम्मा बड़ी थक कर आई है, इसलिए विश्राम करा रहा हूँ। हमने कहा, मम्मा सबने कहा है मम्मा को ले आना, तो आप चलिए, सब बहुत याद कर रहे हैं। माँ बहुत मीठी मुस्कुराते हुए बोली, बच्चे आप सब तो बहुत बार वतन में घूमते रहते हो, मैं आज आई हूँ तो लेने आए हो, मुझे सूक्ष्म वतन बहुत भाता है। सब बच्चों को हमारी तरफ से बहुत याद प्यार देना। ओम शांति। 27/6/65 जो दूसरे दिन का भोग का समाचार था वो इस प्रकार है। नियम प्रमाण भोग स्वीकार कराने के बाद आज मीठी मम्मा को ऑलमाइटी बाबा के साथ गद्दी पर विराजमान देखा। दोनों आपस में बातें करने में इतने मग्न थे जो कुछ सेकंड तक हमें भी देखा ही नहीं। फिर बाबा ने कहा, मम्मा आपके प्रति यज्ञ प्रसादी आई है, आज तो आप भोजन ही भूल गई ना। फिर माँ सुना रही थी कि बाबा आज मुझे कह रहे थे कि मम्मा आज आपको सेवा अर्थ भेजूं। मैंने कहा, बाबा अभी तो मैं वतन में ही रहूंगी, जैसे साकार बाबा के साथ रही हूँ वैसे आकारी वतन में आपके साथ रहूंगी। फिर मम्मा को सब अनन्य बच्चों की याद दी। बस याद देते ही ऐसे महसूस हुआ जैसे कि माँ के नैनो रूपी दूरबीन में एक एक वत्स की प्रेम संपन्न याद की मूरत बस रही थी और एक एक से मुलाकात हो रही थी। उस समय माँ के नैन बच्चों के स्नेह में गीले हो रहे थे। माँ को कहा, मम्मा सबसे मिलने के लिए चलेगी? माँ बोली, जैसे बाबा चलाएंगे वैसे चलूंगी, बाकी बाबा मुझे बहुत बहलाते हैं वह कल सुनाऊंगी। ओम शांति। 28/6/65 जो तीसरे दिन का भोग का समाचार था वो इस प्रकार है। आज माँ को बाबा के साथ बगीचे में देखा और साथ में संपूर्ण मम्मा को भी देखा। दूर से ऐसे लग रहा था जैसे मेरी आंखें एक माँ के दो रूप तो नहीं देख रही है, लेकिन नजदीक जाने से मालूम हुआ कि संपूर्ण मम्मा और साकार मम्मा दोनों थी। फीचर्स तो एक ही थे, ट्रांसपेरेंट दोनों थी, लेकिन
दोनों की फिर भी पहचान हो सकती थी। मुलाकात होने के बाद संपूर्ण मम्मा देखने में नहीं आई। बाबा बोले, मम्मा से पूछो कि आज कहाँ कहाँ सैर किया। मम्मा बोली, आज बाबा मुझे सब सेंटर्स की सैर पर ले गए। वहां देखा कि कई बच्चों को शिव बाबा की याद भले ही थी, लेकिन मम्मा की याद का पलड़ा भारी था। कईयों के चेहरे बहुत सन्नाटे में और गंभीर भी देखने में आए। कोई कोई के तो मुरझाए हुए चेहरे भी थे, कोई हर्षित मुख भी थे जो देख देख मुस्कुरा रहे थे। सारा चक्कर लगाने के बाद बाबा मधुबन में ले आए। अपनी संदली पर बैठ जैसे मैं मुरली सुनती थी वैसे सुनी। बच्चों का और मेरा ध्यान मुरली में ही था। फिर माँ ने सुनाया कि आज 6 बजे से इंतजार कर रहे थे। बाबा हमें वतन के फल दिखा रहे थे और कह रहे थे कि जो अच्छे लगे वे तोड़ कर खाओ। हमने मम्मा से पूछा, मम्मा आप जब साकारी वतन से जा रही थी तो सबसे विदाई भी नहीं ली, क्या आपको मालूम था कि मैं जा रही हूँ? माँ बोली, कल यह सुनाऊंगी। माँ को मधुबन में आने का निमंत्रण दिया। आज मम्मा को कुछ स्थूल वतन की स्मृति अधिक थी और वह बहुत रिफ्रेश थी। बाबा ने कहा कि आज मम्मा को भक्तों के पास ले जाना है, तो कल हम सुनेंगे कि बाबा ने मम्मा को कहाँ सैर कराने लेके गए हैं। ओम शांति। कैसे करे हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का, कैसे करे हम।